इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको काइंड मास्टर की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए काइंड मास्टर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, उसके बाद हम लोग काइंड मास्टर ओपन करते हैं। तो हमारा काइंड मास्टर ओपन हो रहा है, इसके बाद सिंपली क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से 16:9 पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो आपको चूज करना है करके उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ से एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। मून नाम से, मून बैकग्राउंड कुछ इस टाइप से होगा। चलिए उसे ऐड कर लेते हैं। देखिए कुछ इस टाइप से होगा, यह वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ से ऊपर स्क्रॉल करना है, कलर फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से बेसिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ से यह जो ब्लू वाला इफेक्ट है इस पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। सिंपली इसके बाद राइट कंडीशन इस पर क्लिक कर देना है। इतना क्लिक करने के बाद सिंपली इस पर क्लिक करना है, यहाँ से साइड में 3 डॉट का ऑप्शन इस पर क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेंगे। चलिए एक ठो डुप्लीकेट कर लेते हैं। चलिए डुप्लीकेट करने के बाद आपको एक ठो ग्रीन स्क्रीन वाला फ्री फायर का वीडियो मिल जाएगा, वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में से। चलिए उसे ऐड करते हैं। लेयर पे क्लिक किए, यहाँ से प्रोजेक्ट पे क्लिक किए और चलिए ग्रीन स्क्रीन वाला यहाँ से ऐड कर लेते हैं। कुछ इस टाइप से होगा। इसके बाद सिंपली आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, इसके बाद यहाँ से क्रोमा की पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इनेबल कर देंगे क्रोमा की, तो आप इसे बढ़िया से सेट कर दीजिएगा। चलिए कुछ इस टाइप से। इतना करने के बाद चलिए कुछ माइनस कर देते हैं अच्छे से। इसके बाद सिंपली राइट का निशान है इस पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से हम लोग कुछ टेक्स्ट यहाँ से ऐड करेंगे। यहाँ देखिए कुछ इस टाइप से यहाँ पे फूल दिया, गर्ल हंसने लगी, इसके बाद यहाँ से गर्ल जाती है, इसके बाद लड़के कुछ इस प्रकार से गिर जाते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ से चलिए गया और यहाँ से आपको यहाँ पे एक टू टेक्स्ट ऐड करना है। यहाँ लेयर के ऑप्शन पे जाएंगे, टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से अपने जो कीबोर्ड में रहता है ना इमोजी, उसको ऐड करेंगे यहाँ से। चलिए ब्रोकन वाला ऐड कर लेते हैं। ओके चलिए कुछ इस टाइप से होगा और यहाँ से क्लिक कर देंगे इस पर। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ से शेडो पे क्लिक कर देना है, इनेबल कर देना है। चलिए यहाँ से कलर भी चूज कर लेते हैं, कुछ इस टाइप से होगा और राइट कंडीशन इस पर क्लिक कर देंगे और इस पर जाएंगे फिर से और यहाँ से ग्लो पे क्लिक कर देंगे। चलिए इनेबल कर देते हैं और यहाँ से आप रेड कलर चूज कर लीजिएगा और राइट कंडीशन इस पर क्लिक कर दीजिएगा। कुछ इस टाइप से हो जाएगा। इसे थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कुछ यहाँ से अपने वीडियो को। चलिए इतना करने के बाद सिंपली यहाँ जो यह दिल वाला इफेक्ट है ना, इसमें एनिमेशन लगा देते हैं जो काफ़ी और अमेजिंग लगेगा। चलिए इतना करने के बाद सिंपली यहाँ से चलिए इतना गई, उसके बाद यहाँ से इसको कट कर लेंगे। कट पे क्लिक करके यहाँ से चलिए इसके बाद राइट कंडीशन है इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद सेकंड क्लिप आता है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। यहाँ से ये लड़का हंसने लगा है, इसके बाद देखिए यहाँ से चलिए और यहाँ से लड़का जब गोली खा रहा है तो यहाँ पर फिर से एक टेक्स्ट ऐड करेंगे, यहाँ से क्लिक कर देंगे, यहाँ से लिखेंगे ट्रू लव। चलिए और ओके पे क्लिक कर देंगे। चलिए इसे यहाँ पे ऐड कर देते हैं। चलिए ऐड करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से यहाँ आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे, इनेबल कर देंगे और यहाँ से कलर चूज कर लेंगे रेड। चलिए देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है यहाँ से। और यहाँ से जो ज़्यादा हुआ है यहाँ पर आएंगे, ये भी कट कर देंगे राइट कंडीशन है और ऊपर वाली वीडियो को भी कट कर देंगे। चलिए कट कर देते हैं सिंपली। अब देखिए फुल वीडियो आप लोग एक बार देख लीजिए किस प्रकार से बना है।